Movies encoded by Dr. Star. ये कहानी एक ऐसी अनोखी दुनिया की है जिसे पशुमानों की दुनिया के नाम से जाना जाता था। हमारी इस धरती पर पशुओं और इंसानों के मेल से बने ये शक्तिशाली जीव हमारे आसपास खुफिया तरीके से रहते थे, जिन्हें हम कभी देख नहीं पाते। लेकिन मुझे इस दुनिया का एहसास पहली बार तब हुआ जब मैंने पशुमानी दुनिया के सबसे अलौकिक और दुर्लभ जीव को देखा, जिसे देख कर मेरी रूह कांप उठी और मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। ये कौन सी चीज है? ये कहां फंस गया मैं? बचाओ, ये क्या चीज है? मम्मी, दरवाजा खोलो जल्दी। इसको तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। क्या चीज है ये? जब मैं छोटा था मुझे लगता था पशुमानों की दुनिया सिर्फ कहानियों का हिस्सा है, लेकिन इस घटना के बाद मुझे ये यकीन होने लगा कि हम इंसानों के जैसे दिखने वाले ये जानवर सिर्फ कहानियों का पात्र नहीं थे, बल्कि वाकई में इनका एक वजूद है जो हमारे आसपास इस धरती में खुफिया तरीके से रहते हैं। इस संगठन का सिर्फ एक ही मकसद है कि इंसानों और पशुमानों के बीच दूरियां बनाए रखना ताकि उनका शाही खुद नापाक न हो जाए। नाम हरी प्रसाद त्रिपाठी उर्फ हैरी, सूरत से डिट्टो रणवीर कपूर लगते हो। अच्छा, चिड़ियाघर में काम करते हो? वाह, पिक्चर भी बनाई है। जवानी की रातें, और ये क्या? तो हार चुम्मा में विटामिन सी बा? वो क्या है मैडम, मैंने कुछ पैसे भोजपुरी फिल्म बनाने में लगा दिए। मुझे बहुत नुकसान हो गया, मेरे डैड की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनके इलाज के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शादी के बाद मैं शायद वो सब ना कर पाऊं। क्या वो सब? मतलब? मतलब वही डिंग डॉंग। ऐसा नहीं है, हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम एक दूसरे को चूसे हुए आम। खुद को रणबीर कपूर समझते हो क्या? बीक्रेट फिल्म किचन की पांडे, तुम्हें क्या लगा तुम बड़े स्टार हो और मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए मरे जा रही हूँ? तो जिंदगी भर में जानवर की टट्टियाँ ही साफ करने लायक है। वो रंग नी जो ला मा, नी याओ दे ने गे शू मा, ये जो शे वो डा गा पाई दे चेन, शाओ यी ची। दा शे जिए हुन मा, नी बू पै। ची जी ने, नो मा शांग जांग ला मै हॉ, नी जो शे शू याओ यी दिन服务意识。晚上打这个电话，阿佳有个特殊的爱好，我不好了，钞票不怎么来。不要弄这面孔，弄到我阿姊啊，真的。哎呀，弄起洗。侬想哪哪？侬，我警告侬啊。侬滚！
किस्मत की मार और पैसों की तंगी ने मुझे पूरी तरह से सड़क पर ला दिया था। लेकिन अगर जल्द पैसों का इंतजाम नहीं होता तो मैं अपने डैड को खो देता। क्या कोई भला इंसान मेरी ईमानदारी और सच्चाई को देखकर मेरी मदद के लिए आगे आता? शायद इंसानों में इंसानियत खत्म हो चुकी है, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे कोई था जो मेरी हर आहट की खबर रख रहा था, कोई हर पल मुझे निहार रहा था। मैं जहां भी जाता ऐसा लगता जैसे हर वक्त वो साए की तरह मेरा पीछा कर रहा है। कौन था वो? इंसान तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझ जैसे हारे हुए साधारण इंसान से किसी को क्या लेना देना। हे डैड, कैसे हैं आप?发现你了吗？你放心吧，我这特别隐蔽，他们不会找得到的。三号特派员，其他同志都已经牺牲了，情报全靠你送出去，千万不能让他成功。李安总，我不能多说了，同志。说你呢？地球的存亡全靠你了，他们追了，哎，他们追了，不了嘞。老方。किसी ने अभी मेरे डैड को लात मारी, मैं आप लोग को नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो? सामने आए। हॉस्पिटल का बिल नहीं पे किया तो तुम्हारे बाप को फुटपाथ पे फेंक देंगे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं मेरे डैड ऐसा मुझसे क्या कहना चाहते थे। मुझे कभी यकीन ही नहीं हुआ कि वो पागल है। बचपन से ही मुझे इंसानों से ज्यादा जानवरों से लगाव था। उस दिन उसे मैंने पहली बार देखा, गजब की खूबसूरत थी वो, जैसे वो इस दुनिया की थी ही नहीं, हूर सी परी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। हेलो, तुम शायद हैरी? बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा। मैं कायरा हूँ, पहचाना मुझे? मिस कायरा? हाँ। आप वो गैलेक्सी हाइट्स में रहती हो ना? जैसे ही वीजा मिला मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। रुको, मैं प्यास बुझा लूँ। हे, वो ग्लास झूठा है। क्या आप सच में मिस कायरा हो? पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। कल अचानक मैंने तुम्हें रास्ते में देखा, तुम्हारा पीछा भी किया। पर आप हो कौन? मैं ए, अपन तेरे से पेट साफ करने का चूरन मांगा है? और तूने जमाल गोटा थमा दिया। माफ कीजिएगा सर, आपने जो मांगा मैंने वही दिया। हरी, तुम्हें पता है मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पशुमानी दुनिया की सबसे अनोखी जीव हूँ।
सुनहरी लोमड़ी हूँ मैं, सुनहरी लोमड़ी, सुन रहे हो, मैं एक लोमड़ी हूँ। अच्छा, तो फिर मैं हैरी पॉटर हूँ। मुझे माफ करना, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। हैरी सुनो तो, जल्दी चल। अब कौन है बेपरवाह, देख नहीं रहा क्या कर रहे हैं? मैं गलत वक्त पर आ गया, आप करते रहो, मैं दूसरे में चला जाता हूँ। नहीं नहीं, तू कर ले। सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, आप सब एक साथ टॉयलेट जाएंगे क्या? कोई टॉयलेट का पेपरवा देगा हमका? पता नहीं लोग इतना पेपरवा का टॉयलेट में क्या करते हैं, खत्म हो जाता है सब। ये लीजिए। इका है? अच्छा, बायोडाटा दे रहा है, सही है, तुम्हारा बायोडाटा पिछवाड़ा साफ करने के लायक ही है। रंगीला डान के सामने कोई रंगीला नहीं, सब फीका है। मैं क्या करूं? मैंने उसे सब बता दिया है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। और जल्द से जल्द घर लौटो, संगठन नजर रख रहे हैं तुम पे, क्या कर रही हो तुम? चल, चल। है, हैरी? पहचानो, मैं मिस कायरा। बाय, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ? चल बाय बाय, बाद में करना। फिल्म बनाने के नाम पर हमसे पैसा लिया, ऐसा कितना लोगों को चूना लगाया होगा रे तू? और अब पैसा दिए बिना रफू चक्कर होए चाहते? हे चिकना, तनी है नया बा, ये हमारे भाई है मोंटी चिकना, जाना तो हम इनको चिकना काहे बुलाते? काहे कि हमारा दुश्मन को चिकन की तरह छील देते है। और हमारी मोंटी चिकना का पसंदीदा डिश का है जाना तो? घूम, डेली चाहिए इनको, लंच और डिनर दोनों में। अगर एक दूसर का खून नहीं मिलत ना, नहीं, मुझे छोड़ो, तब खुद ही का खून पी जाते। रंगीला, रंगीला डॉन, मेरा चेहरा मत बिगाड़ो, नहीं तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ये सब रख लेते हैं, अभी भी तुम्हारा पास 45,75,500 रुपया बाकी है। ये बैंक का पैसा नहीं है जो लेके फरार हो जाएगा। चल इंतजाम कर जल्दी, चाहे छोकरी पटा चाहे नौकरी का, समझा? हैरी, हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार तुम बिना बोले क्यों चले गए? दूर हटो, मुझसे दूर हटो। तुम्हें रंगीला डॉन ने भेजा है ना, तुम उसी के गैंग का हिस्सा हो ना? मैंने कहा ना कि मैं उसे जल्द पैसे दे दूंगा, मुझे थोड़ा समय दो। अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं एक लोमड़ी हूँ, लोमड़ी, एक सुनहरी लोमड़ी। तुम एकदम पागल हो यार, मैं सच में पागल हो जाऊंगा। याद है जब तुम छोटे थे, स्कूल में लड़कियों के बाल काटते थे और बेंच पर गोंद रख देते थे, उस वजह से एक लड़की की स्कर्ट फट गई थी, बहुत पिटाई हुई थी तुम्हारी। ये सब तुम्हें कैसे पता है? क्या क्या तुमने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं? तुम ये सब क्यों कर रही हो? रंगीला डॉन अपनी हदों को पार कर रहा है, तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो। तुम्हारे सीने पर एक दाग है, जब मैं छोटी थी तो कुछ बच्चे मुझ पर एसिड डालने वाले थे और तुम मेरे सामने आ गए थे, वो एसिड तुमने अपने ऊपर ले लिया था, तुम्हें याद नहीं है? ए फेंको उसपे, मत करो ऐसा, प्लीज ऐसा मत करो। अपने डैड से पूछना, उन्हें याद होगा। वो अच्छी था, वो क्या सुनी? बहुत हो गया यार, अब ये कब तक उंगली काट कर सॉस चाटना पड़ेगा? बस कुछ दिन और। ठाई को फुहा, बाई थियन छिन सोजर ये छे माउबिंग। नेगा हुआ पी बा या, वो हम हैर ज्यूडिंग पुछु। छिन जाए दांग वु जिजी से गांजी रंग सिंग यान ने बा छेन हुआन हुआले छाई जन्दा। बहुत हो गया, इधर आओ, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ।
रात में इंसानों का चीड़ा मैंने कहा ना मैं इंसान नहीं हूँ। तुम्हें प्रूफ दूँ क्या? तुम्हारे पास शराब है? मुझे शायद थोड़ा टुल होना पड़ेगा। अरे यार क्या नींबू शरबत दिया है, कोई हार्ट वाला दो ना। ये तो पियक्कड़ लगती है। ये लो। हे, हे, पगली वो नीट है। ये हुई ना बात, अब ये कपड़े खोलने पड़ेंगे वरना ये फट जाएंगे ना। ए, 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 ये क्या कर रही हो तुम? तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? देखो मैं ये सब नहीं कर सकता, मतलब कर सकता हूँ लेकिन मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। आंटी जी, आप मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैं आपसे काम की बात कर रहा हूँ, आप बस ये बताइए डील पसंद है? आंटी मत कहो ना, तुम जैसे जवान मर्द से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। वैसे तुम्हारी ये लिपस्टिक तो मुझसे भी ज्यादा गाढ़ी है, कहीं तुम मुझसे मर्द तो नहीं हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम नाराज क्यों हो गए? बोलो। कोई बात नहीं, हम काम की बात करते हैं ना, मुझे डील मंजूर है। वहाँ 70 square meter 90 lakh में मिल जाएगा। अब ये तो काफी किफायती है ना। कैप्टन पशुमानों की दुनिया के इस ब्रांच में आपका स्वागत है। कुछ देर पहले हमें ये सूचना मिली है कि हमारे पशुमानी दुनिया के दुर्लभ अनोखी सुनहरी लोमड़ी कायरा ने इंसानों के बीच अपना असली रूप दिखाकर हमारे संगठन के नियम का उल्लंघन किया है, जिससे हमारे खुफिया विभाग को नुकसान होने की संभावना है। ये इसने ठीक नहीं किया, इसे पकड़ना ही पड़ेगा। बचा मुझे कोई, बचा। दादी, 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 मुझे बचा, दादी, इसको मुझे मार देगी। अभी क्या कर रहा है? अरे हट, मैं तुझे बचाऊंगी अब उसको। तरबूज ले लो, तरबूज। अबे नंगा काम आ रहा है, पुलिस की रेड ये क्या? अब अबे ये क्या? दरवाजा खोलो, ज्यादा चढ़ गई लगता है। दरवाजा खोलो। अरे हारी, मैं तो कुछ नहीं करने वाली।像天空大声的呼唤，说声我爱你，像那流浪的白云，说声我想你，让那天空天。
हे भगवान बचा लो मुझे, जब चंगली जहर मोहनी के अनुभव सागर जैकब इस तेल को जाकर राम में रह दो नहीं तुम्हारे राम। ओहो इधर छुपे हो माय डियर, एक किस तो दे दो। मम्मी बचा, मम्मी मम्मी। नहीं सिर्फ बेहोश हुआ है। ओ, चलो सेल्फी ले लेते हैं। वाओ। अरे दानव, भागो, भागो। कई लोगों ने उसे देख लिया है, चलो सबकी याददाश्त मिटा देते हैं। जिसने भी अभी सुनहरी लोमड़ी के असली रूप को देखा है सभी की याददाश्त को मिटा दो। हमारी दुनिया का राज किसी भी हाल में उन्हें नहीं मालूम होना चाहिए, ये हमारे संगठन का पहला उसूल है। रंगीला भाई, अरे, अरे चल रे डॉक्टर, वो कुछ नहीं था रे, चलो चश्मुनी और चिकने को खोजते हैं। बॉस, बॉस आपने देखा वहाँ क्या हुआ? अरे कहाँ रे बुढ़वा, क्या हुआ बताएगा तुम लोग? अरे यहाँ बहुत मुसीबत है, अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। क्या? अरे क्या चाहती हो? मुझे इससे शादी करनी है। होश में आओ कायरा, मैं कैप्टन जेकब हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसकी याद नहीं मिटा सकते, कोशिश भी मत करना। समझो क्या कर क्या कर रहे थे? मैंने उसकी याददाश्त नहीं मिटाई है। कर रहे थे? मैंने बस अभी तैयारी की थी। तुम क्या चाहती हो? कायरा तुमने मुझे थप्पड़ मारा, फिर मारा। तुम हो क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें ख्याल भी है कुछ? तुम्हारी पूछती कितनी शराब पी रखी है, तुम्हें कितनी मुश्किल से वीजा दिलवाया। मेरी बहना, आखिर उस इंसान में ऐसा क्या है? अपने कैप्टन को देखो, कितने खूबसूरत और चिकने हैं। तू ही शादी कर ले इससे, हट यहाँ से। पागल हो गई है क्या? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझमें जुंगली बंदूक बिल्ले? नीचे करो तुम लोग। चलाने दे इन्हें, मुझे डरा रहा है। डरा रहा? मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। ये मुझे डरा रही हो क्या? तुम ये करना बंद करो कि मेरे जूनियर मुझे देख रहे हैं, सब हंस रहे हैं मुझ पर। देखो, मुझे वो दवा चाहिए। कौन सी दवा? इसे वो दवा दे दो। देखो उसे वो दवा लग रही है, चलो अब घर चलते हैं, ठीक है ना? सब ठीक हो जाएगा, लगता है इस इंसान ने तुम्हें बहुत पिला दिया। चलो अभी। ओए माँ, मुझे लगता है पहले नहा लेते हैं। रंगीला भाई, मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए। फिल्म बनाने के नाम पर हमसे पैसा लिया और पैसा लौटाने के बदले भाग गया, ऐसा कितना लोगों को चूना लगाया होगा रे तू? ये हमारा भाई है मोंटी चिकना।
तुम्हारी ये उंगली फिर से कैसे निकल आई? जाना तो हम इसको मोंटी चिकना काहे बुलाते हैं? ब्रह्म ब्रह्म है, जरूर ये ब्रह्म है। इसलिए बुलाते हैं काहे कि हमारे दुश्मन को चिकन की तरह छील देता है। जाना तो इसका पसंदीदा डिश का इंसानों का खून पसंद है। अगर एक दूसरे के खून ना मिले तो खून पी जाता है। हे भगवान, नहीं नहीं, मैं पागल हो रहा हूँ, कहीं ये बीमारी खानदानी तो नहीं है? तुम्हारा खून इतना मीठा क्यों है? वो क्योंकि मुझे डायबिटीज है ना, और मैं पागल हूँ। रंगीला भाई, क्या हमको देते पहले नहीं मिलते? प्लीज प्लीज मुझे बताइए, प्लीज, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं रंगीला भाई का पागल हो गया हूँ। अबे बात समझ में आ रही है क्या? रुको, क्या हो रहा है ये? ये कौन आइटम आ गई भाई? तुम्हारे दोस्त है ये टुच्चे टाइप के लोग, ये दोस्त है तुम्हारे? एक बात बताओ, आज क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? क्या तुम्हें भी उस कीड़े ने काटा है? ओ हारी, बोलो ना, बोलो मैं कौन हूँ? क्या तुम लोमड़ी हो? ओ मेरी जान, तुम्हें सब याद है, रात को बहुत ज्यादा चंडी थी, मुझे माफ कर दो। लोमड़िया, तुम्हारा मदद खातिर लोमड़िया माता आई है, रंगीला डांस रंगीन पंगा, जा अबे जाना। अबे चूजे, तूने हाथ उठाया? मैंने मारा है उसे। चिकनी चमेली, इतनी खूबसूरत लड़की पर मारदार शोभा नहीं देता मेरी जान। मैं माफी मांगता हूँ, लड़की पे हाथ उठा के अपनी बेइज्जती क्यों कराना चाहता? चाहे हीरो बनना चाहता, इतना मारूंगा कि अधमरा हो जाएगा, दोबारा हिम्मत भी मत करना लड़ने। चल जान दे, जितना जल्दी हो सकता है पैसे का जुगाड़ कर, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को। बहुत हो गया, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है ना? मैं पागल हो जाऊंगा तो वसूलते रहना पैसे। देखा हरी, डरा दिया ना सबको। अरे तुम क्यों मुझसे डर रहे हो? रुको। अभी अभी पता चला कि कायरा लगातार संगठन के नियमों को तोड़ते जा रही है और उसकी हरकत को रोकने में संगठन के लोग नाकामयाब रहे हैं। लगता है फिर से हमें इनकी याददाश्त को मिटाना होगा। कैप्टन, आपको तो चूना लगा दिया उसने, आपकी बात का तो उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा, कमांडर को पता चल गया तो? डरो नहीं, मैं संभाल लूंगा। पहले हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे कुछ बैंडेज और रुई की जरूरत है। रूपांतरण केंद्र के लोगों से सावधान रहना। रूपांतरण केंद्र क्या है? देखो, ये संगठन मनुष्यों की दुनिया में हम जैसे प्राणियों पर नजर रखता है। सचमुच ऐसा कोई संगठन है क्या? रूपांतरण केंद्र, मेरी मदद करो, मुझे इस लोमड़ी से बचाओ। क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी बुद्धू, मुझे तुमसे शादी करनी है, 10-15 बच्चे करने हैं। अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बोलना चाहो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? लोमड़ी बहन, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, मैंने गलती से तुम्हारी मदद की थी। मेरे डैड चिड़ियाघर की रखवाली करते थे, तुम विलुप्त तो प्रजाति की थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे डैड की नौकरी चली जाती। तो बात है जिससे मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। मेरा चेहरा, तुम्हारा दिल, तुम्हें ये लगता है कि हम लैला मजनू हैं? लैला मजनू में लैला इंसान थी। सुनो ना मेरी जान, मैं एक दुर्लभ प्रजाति की सुनहरी लोमड़ी हूँ, हमारे बच्चे कितने क्यूट होंगे सोचो तो सही। तुम तो सीधा बच्चे तक ही पहुंच जाती हो। तुम मुझसे जितना दूर जाओगे मैं तुम्हारे उतने ही करीब आऊंगी, मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाना है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
कुछ भी? हाँ। क्या तुम इस डंडे को मेरे लिए वापस ला सकती हो? ये लो, अकड़ो। बहुत अच्छे। अब देखता हूं तुम मेरे लिए ये ला सकती हो या नहीं। जान बची तो लाख हो पाए। कमांडर बाज, रूपांतरण केंद्र के हमारे ब्रांच में आपका स्वागत है। कैप्टन जैकब कुछ ही देर में आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आपका स्वागत है कमांडर बाज। पैर में जख्म के कारण मैं आपका सबसे पहले इस्तकबाल नहीं कर पाया, इस खाता के लिए माफी चाहता हूँ। तुलसी अदरक की चाय लीजिए सर। माफी चाहता हूँ। इजाजत हो तो कुछ याद दिला दूँ? क्यों नहीं हुजूर। पशुमानों और इंसानों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। जो गैर कानूनी काम करते हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर की गई है। आप इस बात से वाकिफ होंगे? बिल्कुल सर। तो मैं जान सकता हूँ क्यों पिछली रात कायरा वाली घटना पर कार्यवाही नहीं की गई? वो क्या है ना सर, कि बीती रात कैप्टन कायरा का पीछा करते हुए छत से गिरकर जख्मी। इतनी बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। सुनहरी लोमड़ी एक दुर्लभ प्रजाति की है। उसे सुरक्षित रखना हमारा पहला मकसद है, ताकि मानव जाति उसे बर्बाद ना करते। शायद ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। आप निश्चिंत रहें, आपका ये गुलाम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कायरा को वहां से सुरक्षित लेकर। पशुमानी खून का एक एक कतरा हमारी शान का प्रतीक है। कोई इंसानी खून इससे अपवित्र नहीं कर सकता। कैप्टन जैकब, रूपांतरण केंद्र का ब्रांच तुम्हारे अधीन है और तुम्हारी एक गलती हमें भारी पड़ सकती है। अमेरिका में तो चमगादड़ और इंसान के प्यार पे एक फिल्म भी बन गई है। कहीं ऐसा ना हो ये बात सच हो जाए। चुप रहो तुम लोग। हमेशा बात अपनी हैसियत के हिसाब से करो, समझे? की बात सोचना भी गुनाह है। हमारा एक ही मकसद है, इंसानों से हमेशा फासला बनाए रखना। ये कभी भूलना मत। ये कौन है? मिस्टर हैरी, तुम काफी समझदार इंसान मालूम पड़ते हो। मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। मैं और मेरे दोस्त विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, पर घर वाले ऐसा नहीं चाहते। मेरे घर वाले मेरी शादी करा देना चाहते हैं, इसलिए मुझे एक पति की जरूरत है। हमें पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, हम मदद कर सकते हैं। हाँ, मुझे शर्म आ रही है लेकिन ये सच है। और एक बात,
जब मुझे लगे तुम्हें मुझे एक बच्चा भी देना होगा। हैरी तुमने फिर अपना पुराना धंधा शुरू कर दिया। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मुझे माफ करना मेरी बहन। कौन है ये? तुमने पत्थर फेंककर मुझे बेवकूफ बनाया? मेरी बहन का पेस थोड़ा ढीला है। झूठे, तुम मेरे भाई नहीं हो, मैं इसकी पत्नी हूँ। मिस्टर हैरी ठीक, हम चलते हैं, पहले तुम अपना फैमिली मैटर सुलझा लो। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। सुनिए तो सही, प्लीज मत जाइए, आपकी हर शर्त पर मैं राजी हूँ। अरे रुकिए, क्या तुम उनसे शादी करोगे? क्या वो तुम्हें इतना प्यार करेंगे जितना मैं करती हूँ? मेरा हाथ फंस गया, निकालो इसे। हाँ, तुम एक जानवर हो, आखिर तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? मेरे जज्बात को समझ पाओगी क्या तुम? मेरे पापा अस्पताल में है और मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मैं हर तरह से परेशान हूँ और तुम प्यार की बात कर रही हो। मैं बच्चा उसी से पैदा करूंगा जो कोई मुझे पैसा देगा। एक मुसीबत जाने का नाम नहीं लेती और दूसरी घेर लेती। शायद मेरा कुछ होने वाला ही नहीं था। रुक जाइए सर। कौन है तुम? आपका एक वफादार खादिम जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का प्रोफेसर है। क्या है ये? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आखिर तुम्हें यहाँ भेजा किसने? आजकल शायद आपको एक सुनहरी लोमड़ी परेशान कर रही है। पर आप लोग हो कौन? हम लोग एक गुप्त संगठन के लोग हैं जो पशुमानों पर शोध कर रहे हैं। पैंसठ हजार साल पहले एक टूटा हुआ तारा दुनिया के अलग अलग इलाके में गिरा था, जिसके कारण एक भयानक सुनामी आई जो डायनासोर्स के विलुप्त होने का कारण बनी थी। हमारा रिसर्च कहता है कि यह कोई टूटा हुआ तारा नहीं था, बल्कि यह एक दूसरे ग्रह से आई उड़नतश्तरी थी। इस उड़नतश्तरी में बहुत सारी भारी जीव कोशिकाएं थी जो धीरे धीरे विकसित होकर एक अत्यंत शक्तिशाली जीव में बदल गई, जिसमें कुछ सुपरनेचुरल पावर भी थे। ये जीव पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जीव की श्रेणी में आ गए, जिसे पशुमान के नाम से जाना जाने लगा। ये पशुमान हमारे पौराणिक कथाओं का भी हिस्सा है, जैसे जलपरी, शंबुक परी, कालाबाश भाई। और फिर हजारों साल में लगातार बदलाव के कारण अब वो अपनी जगह इंसानों के बीच पर आ चुके हैं। अब वो पहाड़ियों और रेगिस्तानों में बहुत कम ही रहते हैं। अब ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या कोलीग्स, या टीवी, या कोई फिल्म स्टार, या कोई खूबसूरत लड़की जिससे आप कल ही मिले हो। कायरा एक सुनहरी लोमड़ी है जो पशुमानों की एक दुर्लभ प्रजाति से है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। उस लड़की को पकड़ना मेरे बस की बात नहीं। इसकी मदद से आप ये काम आसानी से कर लेंगे। इसे बस गर्दन पर रखना है और धीरे से दबाना है। पर ये सब मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं? जानते हो, हमारे संगठन को रिसर्च के लिए बहुत फंड्स मिलते हैं। ये तो सिर्फ एक एडवांस है। काम पूरा कर दो, आपको एक बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। और वो बेहतरीन इनाम क्या होगा? ऐसा इनाम जिससे आप अपने सभी कर्जों से मुक्त हो सकते हैं। पर्यटकों का जू के मेले में स्वागत है। रात को केवल खेलने की जगह खुली रहेगी। हेलो, मैं हैरी बोल रहा हूँ। वो जिस लड़की से मीटिंग हुई थी वो दोबारा वहाँ आई थी क्या? हाँ हाँ, वो वही काले कपड़े वाली। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम थी कहाँ? तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, ये रखो, ये आज की कमाई, कल और पैसे दे दूंगी। तुम इतने थोड़े से पैसों के लिए दिन भर धूप में जलती रही, तुम्हें पता भी है कितने पैसे लौटाने हैं? 45,75,000 रुपए। धीरे धीरे सब कमा के दे दूंगी, पर तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे शादी करूंगा? Thank you.
के खाते में 20 लाख जमा कर दिया गया है और 80 लाख अभी भी बैलेंस है। वहां देखो, अगर मैं अगले जन्म में लड़की बनकर पैदा हुआ तो मैं वो काम जरूर करूंगा। वहां पैसों की बारिश होती है। ऐसा क्या होता है वहां? तुम्हारा ना जानना ही बेहतर है। मेरे घर वालों के लाख मना करने के बाद भी मुझ पे एक्टर बनने का भूत सवार रहा। 5 सालों तक धक्का खाता रहा, लेकिन अपने सपने को टूटने नहीं दिया। फिल्म बनाने के चक्कर में लाखों कर्ज लिए जो पूरी तरह से डूब गए। मैं बर्बाद हो चुका था। मेरी इस गलती की सजा मेरे डैड को मिली। उन्हें पुलिस ने इतना टॉर्चर किया कि वो रोते रोते बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। यही मेरी कहानी है। बिना सोचे समझे सारा पैसा क्यों लगा दिया? मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। एक्चुअली एक प्रोड्यूसर था, उसने कहा कि वो मेरा फैन है। वो कहता था कि मैं स्टार बनूंगा। उसे मुझ पे भरोसा था। ये फैन क्या होता है? फैन जो बिना किसी स्वार्थ के तुमसे प्यार करे। हैरी, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। किसे पता था कि मेरी एकमात्र फैन एक जानवर होगी? जल्दी करो, तैयार हो जाओ लड़कियों, मेहमान आ चुके हैं। जल्दी जल्दी चलो, बातें मत करो। तू इधर क्या कर रही है? बेवकूफ की तरह क्यों खड़ी है? अपना चेहरा देखो, अभी तक मेकअप भी नहीं किया। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करो। सेठ जी आप आ गए। फिरदौसी से? खुशामदीद फिरदौसी से। कैसे हैं सेठा? आइए ना, यहाँ बैठो। हमारे वास्ते गाना कौन गाएगा? जो भी सेठ जी के लिए गाना गाएगा ये पैसे उसके होंगे। मैं गाऊंगी गाना। ओ जावा, कितना स्मार्ट है तू। क्या आपका यहाँ सीट बुक है? हे, मुझे चेक कर लेने दो, मुझे देख लेने दो। हमको देखना है कि सबसे चिकना टांग किसका है। ये मेरी टांग चिकनी है, देख लो। मेरी है, मेरी है। अरे अरे, छुओ छुओ ना। क्या हो गया? रुक जाओ।
उसे छूने की हिम्मत मत करना। मरहबा मरहबा। ये कौन है? कौन है? पता नहीं। मरहबा मरहबा। तुम्हें ये सब करते शर्म नहीं आती? इधर आओ। पागल हो गई हो क्या तुम? ये सब क्या कर रही हो? जानती हो वो जगह कौन सी है? नरक है वो। तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें पता है ये क्या है? मुझे एक प्रोफेसर ने दिया है जो पशुमानों पर शोध करता है। वो चाहता है कि वो तुम पे भी शोध करे। ये इंजेक्शन मैंने तुम्हें लगा दिया ना, तो एक झटके में मैं सारे कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। दोबारा वहां गई ना, वो कोई प्रोफेसर नहीं है, वो भी एक पशुमान है, रूपांतरण संगठन का कमांडर बास। अगर उसने तुमसे ये कहा कि मुझे ये इंजेक्शन लगाने से वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा, तो फिर तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? बोलो। मुझे ये करने का सही मौका नहीं मिला। जान भी दे सकती हूँ, मेरी जान किस काम की? अगर वो तुम्हारे किसी काम ना आ सके तो हरी, मैं तुम्हारी फैन हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी हरी। ये लो मेरी गर्दन, चुका लो अपना कर्ज। कायरा, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम ये कायरा? लोग झूम झूम के नाच रहे हैं, खूबसूरत औरतें गा रही हैं, मौसी की अपशगुन है, बसंत के फूल पतझड़ के फूल कभी खत्म नहीं होंगे। हैरी, हमारी शादी हो गई है। अभी जो मैंने कहा वो शादी का मंत्र था। हमारे खून अब एक हो गए हैं हैरी, अब हम एक परिवार है। बोलो। हाँ, जैसा तुमने कहा सही है। बोलो कि अब छोड़ो मुझे, तुम्हारा और कोई फैन नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यार, जिस तरह से तुमने किया ना, इंसानों की बीवियां ऐसे ही करती हैं। मेरा ये पहली बार है, थोड़ा संभाल के। घबराओ मत, मैं आराम से ही करूंगा।不需要本地的户口，不需要买车买房，不用假装前途无量，但我要给他一点光，要把他放在心上，当强烈来临的时候要站在他身旁，要假装知道未来的方向。这种姑娘还
长得很漂亮，这种姑娘她不需要我呀。啊，这种姑娘，请给我来一块。लोमड़ी खोकर तितली पकड़ लाए खूबसूरत धंधे वाली, अवैध मानव और पशुमानों का संपर्क बहुत पहले से हो रहा है। लगातार मानव पशुमानों के एक होने की बात सामने आ रही है और तुमने भी यही गुनाह किया, इसकी कोई माफी नहीं। क्या बोलना चाहते हो बोलो। तुम्हें माफी मिल सकती है, तुम सबको ये बतलाओ कि तुम इंसानों द्वारा मजबूर की गई और तुम्हें गुजारा करने के लिए अपना शरीर बेचना पड़ा। सारे पशुमानों को बताओ। इस फेक न्यूज से मानव और पशुमानों के बीच नफरत की आग और बढ़ेगी। तुम ऐसा ही चाहते हो ना कमांडर बास? यही चाहते हैं तो मैं मरना पसंद करूंगी। वैसे भी मैं सालों से छुप छुप कर तुम बहुत ही खूबसूरत बला थी, तुम्हें भी मौत ने दबोच लिया। लोमड़ी कायरा, तुमने 7 जुलाई 2018 को छुपकर इंसानों की दुनिया में कदम रखा, अपने पशुमान होने की पहचान बताई और बहुत सारे आपराधिक काम किए, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ए चिकने, तू किस तरह का पशुमान है? मेरा नाम चार्ली। ये पप्पू भी पशुमान बन गया? तो मुझे ये बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो पशुमान है तो भी, अब वो मेरी बीवी है। अब ये एक कानूनी मामला है और हम कोर्ट में मिलेंगे। तुम्हारी रगों में पाक खून दौड़ रहा था, लेकिन तुमने इस 2% के इंसान के साथ संबंध बनाकर उसे नापाक कर दिया। पास नहीं आओगी ना तुम। सब मेरी गलती है कायरा, मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कमांडर बास, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कायरा को इंसाफ दिला सकूं। हे, हम पहले मिल चुके हैं ना? याद है कायरा, जब हम स्कूल में थे तुमने हेडमास्टर के कुर्सी के नीचे पटाखे छोड़ दिए थे। वो इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया था। हमने कॉलेज साथ किया, वहां भी तुम्हारे रवैये से सब परेशान थे, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा बचाव किया क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता था। मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, सब भूल गई? तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? एकदम दीवाना हो गया। तुमने इस टटपुंजे इंसान से शादी कैसे कर ली? ये मेरा बचपन का शादी दोस्त के वक्त क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? सच में तुम्हारे बचपन का दोस्त है? हाँ, थोड़ा बेवकूफ। तुमने मेरे जज्बातों से खेला है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सजा दिलाकर रहूंगा कायरा, मैं तुमसे नफरत करता हूं।
हाँ मैं नफरत करता हूँ। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? नहीं, कहो, मुझे धक्का दो, मुझे धक्का दो। तुम लोग निकलो, मैं इन्हें संभालता हूँ। काया। नहीं कमांडर। गुड्डा जैको। काया। काया। ये क्या हो रहा है भाई? हमसे भी बड़ा डॉन पैदा हो गया का? भाई लगता है इधर शूटिंग चल रहा है। अबे चूजे हट। भाई, भाई भूल गए कि अक्का शहर का डॉन है आप। आपसे बड़ा कौन है भाई? ए, अरे अब तो हथियार भी अपने पास है। हे पाको, हम ही पहलवान ऐसे ही नहीं पाल रखा हूँ। इसका नाम मोंटी चिकना है। तो का पता है एक चिकना काहे बुलाता हूँ? काहे कि ये दुश्मन कायरा। अरे ये लुमड़िया यहाँ भी। हरी चलो। रुको इसे। एक नहीं, हड्डियाँ टूट जाएंगी। संभल के बैठो। कौन? पशुमान बन जाऊंगा। कायरा, सारे पुर्जे खुल चुके होंगे। संभल के। डरो मत। ये कारनामे तो सिर्फ मैंने वीडियो गेम में ही देखे थे। ए कायरा, घबराओ मत। जब तक बचा तब तक मैं भागूंगी। कायरा, भाग बसंती भाग। इन कुत्तों से हार मत मानना। अरे यार ये बसंती कौन है? तुमने शोले पिक्चर नहीं देखी है क्या? भाग बसंती। लगता है अब हम सुरक्षित हैं। हाँ शायद कायरा। वो कहां गिरी है? कायरा। फुंदो। कायरा, 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 कायरा मेरी जान, तुम सोना मत बस। मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूं। गाता रहे मेरा दिल तू मेरी। कायरा, कायरा,
मंजिल। ओ क्या हुआ लैला आप? ओ ये कैसे घायल हो गई? ये तो बुरी तरह जख्मी है। मिस लैला आपको देख के गाड़ी में ले चलो। इसके कपड़े थोड़े और नीचे करो, शर्मा क्यों रहे हो? बर्दाश्त करना होगा। मैं इसे निकालती हूँ, तुम पकड़ के रखना। कैरा, सब ठीक हो जाएगा। रुक जाओ कैरा, कैरा, सब ठीक हो जाएगा कैरा। संभाल के, डरो मत, तुम ठीक हो जाओगी। बस, हो गया। मालूम है कमांडर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। तुमने एक इंसान से शादी कर ली? मेरी बच्ची, किसी इंसान से शादी करना एक जुर्म है। बाज तुम्हें कैद करके तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। मुझे बस ये बताइए, हमारी मदद करेंगी? बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, वो आ रहे हैं। जो कहती हूँ वो करो। तुम दोनों ये पहन लो। समझ आ गया ना, यहाँ बाज नहीं पहुँच पाएगा। जब यहाँ लड़ाई का सीन शूट होगा तो तुम लोग। अरे डायरेक्टर साहब, आइए आइए, मेरे पीछे आओ। सारी तैयारियाँ हो चुकी है, बस आप ही का इंतजार हो रहा था। जी रुकिए, किधर जाना है? किधर जाने का है? जूनियर आर्टिस्ट हो क्या? शूटिंग शुरू होने से पहले तुम दोनों उन नकली पशुमानों के बीच छुप जाओ। सब जूनियर आर्टिस्ट हैं। हाँ आ रही हूँ। इधर चलो। सुनो, बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है। बाहर मैंने एक कार का इंतजाम कर दिया है। जैसे ही मिस लैला जो वहाँ पे बैठी है अपना लाइन बोलेंगी, जाओ टूट पड़ो। सारे जूनियर आर्टिस्ट एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। बिल्कुल सब रेडी है ना? एक्शन। तुमने हमारी महारानी की बेइज्जती की। ये सिर्फ उनकी ही नहीं पूरे साम्राज्य की बेइज्जती है। किसी को नहीं बख्शेंगे। कट। इसका मेकअप किसने किया? किसने किया इसका मेकअप? ये तो किसी सर्कस के जोकर की तरह दिख रहा है। इसको लेके कौन आया है? हाँ, इस कान से क्या तू पंखा करेगा? दिमाग कहाँ रहता है? और ये पंख डायनासोर का पंख लगाया है क्या? अब क्या इससे झाड़ू लगाएंगे? तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी है कि नहीं? जाओ जाके पहले स्क्रिप्ट ढंग से पढ़ो और मेकअप भी करवा लेना। चेहरे पे थोड़ी मिट्टी भी लगा ले, हीरो का रोल नहीं है तेरा। चल जल्दी कर। अरे रोमियो जूलियट, कहाँ जा रहे हो? अपनी जगह। अबे अमिताभ बच्चन किधर जा रहा है? चलो शॉट रेडी करो। ए भाई किधर जा रहा है तू? हम रेडी हैं सर। एक्शन। तुमने हमारी महारानी की बेइज्जती की। ये सिर्फ उनकी सर, नहीं पूरे इधर ही इन लोगों को दबोच ले गया। हमें यहाँ अपनी पहचान को छुपाना होगा। हम किसी को लैला मैम अपनी लाइन बोलिए ना। हाँ हाँ ठीक है। सब लोग टूट पड़ो। मैम सिर्फ टूट पड़ो नहीं, कुत्ते की तरह टूट पड़ो। हाँ माफ करना। कोई बात नहीं, फिर से टेक कर लेते हैं। एक डायलॉग ढंग से नहीं बोल पा रही है, हीरोइन बनी है देखो।
अरे ओ तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? जाओ जल्दी जाओ। एक्शन की मौत मारो उनको। मैम आपने गलत बोला, की तरह टूट पड़ो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, माफ करिए। एक्शन जाओ, टूट पड़ो उन पर, टूट पड़ो। कट 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 कट, मौत मर जाओ, कौन भी जा सकता। अब कैसी कलाकार है, आपको एक लाइन याद नहीं हो रही। सर ये मैं करूं क्या? सब लोग सुनो, मैम आप आराम करो, हम लड़ाई का शॉट लेते हैं। सर मुझे एक और चांस दीजिए, इस बार कोई गलती नहीं करूंगी। मैम हम लड़ाई का शॉट पहले लेते हैं, डायलॉग का शॉट बाद में लेते हैं ना। मैं अच्छी कलाकार हूँ, एक मौका दीजिए, मैं अच्छे से कर लूंगी। मैंने कहा ना पहले लड़ाई का शॉट। ए इधर आओ, एक राज की बात बताऊं। वो पंख वाला आदमी है ना, वही तुम लोगों के पैसे की दलाली खाता है और तुम्हें कम पैसे देता है। लड़ाई के सीन में उसके सारे पंख उखाड़ देना, वो वहाँ खड़ा है काले कपड़े में, छोड़ना मत उसे। जाओ ध्यान से देख लो उसे, वो वहाँ है। एक्शन ना, जो हमारे पैसा खाता है लाल करके, पैसा लौटा हमार। अरे तोहरा के कहीं देखे हैं, रामलीला में काम करते हो का? तुम निकले यहाँ से, मैं अभी आ रही हूँ। स्पेशल एजेंट नंबर 3, मैं यहाँ हूँ मेरे बहादुर सिपाही, मेरे बच्चे मेरी मदद करो। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो ने। नहीं 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 छोड़ दो ने। मेरा प्रस्ताव अभी भी वही है। Oh, my God.
कायरा से ढूंढ रहा हूं, चिड़ियाघर, फिल्म सिटी, लेकिन बेवकूफ नहीं मिले। दुश्मनों ने सबको बंदी बना लिया और तुम यहां बैठकर रोना रो रहे हो। बुरा वक्त इंसान को मजबूत बनाता है। यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। दुश्मनों की कैद से अपने प्यार को बचाओ, उसे वापस ले आओ। प्यार के लिए हर रास्ता जायज होता है, ये मत भूलो। आप ठीक कह रहे हैं डैड, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। जाए, मुझे दुश्मनों से ही क्यों ना लड़ना पड़े। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं डैड। से बिछड़ने के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो मेरे लिए क्या थी। कहते हैं कि प्यार में बहुत ताकत होती है। मेरे लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल ली और मैं कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन अब मैं किसी भी हाल में उसे वापस लाना चाहता हूं। न जाने किस हाल में होगी वो, कैसे ढूंढूं मैं उसे। हे भगवान, मेरी मदद कर। आखिर तो मिल ही गए। नहीं छोड़ूंगा तुझे, सब तेरे कारण ही हुआ है। तुम तो उसके दोस्त हो ना, कायरा कहाँ है? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो कमीने? आखिर वो है कहाँ? अब वो जिंदा नहीं है। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ऐसा नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकती। उसके बारे में तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। मैंने आज तक उसे खरोंच तक नहीं आने दी और तुमने उसे जहर दे दिया। दानव में बदल गई है। तुम बताओ मुझे वो कहाँ है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बताओ मुझे, मुझे बताओ, मैं उसे देखे बिना मर नहीं सकता हूँ। जानने के लायक नहीं हो। बताओ मुझे। तुम उसे बचाना चाहते हो पर अब यह नामुमकिन है। उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है जिसे मैं भी नहीं तोड़ सकता। कुछ भी हो, मुझे वहां जाना है। शायद तुम्हें पता नहीं
पशुमानी दुनिया में लोग तुमसे कितनी नफरत करते हैं ये देख लो। एक ही महीने में संगाई शहर में एक के बाद एक वारदात बढ़ती जा रही है। बहुत दिनों से गायब तितली को उसके किसी इंसान प्रेमी ने रात क्लब में उसकी हत्या कर दी। दूसरी सबसे सनसनी खबर यह है कि कायरा, जिसने एक इंसान से शादी कर ली थी, उस इंसान पति ने इसे जहर दे दिया, जिसकी वजह से ये पागल हो गई। अब कायरा को पशुमानी पागल खाने में इलाज के लिए रखा गया है। सूत्रों की माने तो ये कोई पहला या दूसरा वारदात नहीं है। 2012 से अभी तक 100 से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। इस वजह से बहुत सारे पशुमान यहाँ से लौटने लगे हैं। इसलिए रूपांतरण केंद्र अपनी सुरक्षा मजबूत कर रही है ताकि पशुमान और मानव का संपर्क ना हो सके। बरसों तक चैनल से बेंजो भेड़िया। अच्छा ये बताओ, पशुमानों में रिश्वत चलती है क्या ताकि मैं उन्हें पटाके अंदर जा सकूं? क्यों नर्क में जाना चाहते हो? अच्छा पशुमानों की दुनिया की फेक आईडी बनाकर जा सकता हूँ? ये सब टटपुंजिया तरीका तुम्हारी दुनिया में चलता होगा, वहां नहीं, समझे? काश मैं वहां का प्रधानमंत्री होता तो सबको आजाद कर देता। यार तुम सठिया गए हो। मैंने सुना है तुम एक्टर थे। कुछ साल पहले एक बंदर पशुमान मेरा भेष बनाकर रूपांतरण केंद्र के हेडक्वार्टर में घुस गया था। कोई भी उसे पहचान नहीं सका। पर वो तुम्हारा भेष बनाकर क्यों घुस गया था? क्योंकि उसकी पत्नी यहाँ कैद थी और वो कई बार ऐसा कर चुका था। एक बार मैंने ही उसे पकड़ लिया पर जाने दिया, इसलिए वो मेरे एहसानों का कर्जदार है। क्या चाहिए? कुछ मेकअप का सामान। काका टीचर की मार खाए कभी? तेरे से पूछ रहा हूँ बे, थप्पड़ खाए कभी? ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आज तेरी फटने वाली है, बाद में मत कहना बोला नहीं। डर तो नहीं लग रहा ना? पक्का ना? नहीं। चलो। ये किस लिए? क्या करूंगा इसका मैं? ठंड से बचने के लिए। लिफ्ट जैसा है, लगता है ऊपर जाएगा। क्या पता ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। मेरा सर गया, और लगता है टपने के ऊपर गिरा गया क्या? नहीं, चलो एक्टिंग शुरू। अबे तुम भाग क्यों रहे हो? मुझे बताओ तुम भाग क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम पास हो भाई मुझे। बिल्कुल ऐसे ही, शाबाश। थप्पड़ मार के मजा आया ना? बास भी यही करता है, वो एकदम सनकी है। सनकी बनना है? सही सुना, सनकी। सोच क्या रहे हो, जल्दी चलो। अबे ये तो किसी राजा महाराजा का महल लग रहा है। ये कमांडर बास का कैद खाना है। अब हमें क्या करना है? रिसेप्शन डेस्क नहीं दिख रहा है क्या? ये सिक्योरिटी गार्ड्स भीड़ लगा कर क्या कर रहे हैं? मैं आंख मारकर इशारा करूंगा। ओके, पूरा सनकी बनकर रहना। तुम चिंता मत करो। किसकी इजाजत से ताश खेले हो तुम? यहां खड़ी छोड़।
इंचार्ज कौन है? मुझे बताओ यहाँ का इंचार्ज कौन है? कौन है इंचार्ज? मालिक, अभी तो आप टीवी पे आ रहे थे, अभी यहाँ कैसे? ये तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ने की चाल थी बेवकूफ। आप कौन? मैं साहब का नया पीए। तुम अपनी ड्यूटी इसी लापरवाही से करते हो? क्या यही है तुम्हारी ड्यूटी? रोज इसी तरह ताश खेल के ड्यूटी करते हो? कसीनो समझ रखा है क्या? साहब, ये सब कभी कभी मन नहीं लगता है तो हम खेल लेते हैं, पर आप चिंता एकदम मत कीजिए। और यहाँ तो एगो परिंदा भी पर नहीं मार सकता और भागे के तो सवाल नहीं पैदा होता। खोलो इसे, मुझे कार्य से पूछताछ करनी। साहब, ये तो मेन स्विच है, इसको खोल देंगे तो सब कैदी भाग जाएगा। मालिक, ये किस लिए था? किस लिए? किस लिए? क्या कमांडर ने इससे पहले तुम्हें कभी मारा है? कबहू नहीं। हाँ, ये इनके प्यार जताने का तरीका था। देखो, कमांडर ने तुमसे कहा दरवाजा खोलो, कायरा से पूछताछ करनी है, लेकिन तुमने पलट कर जवाब दिया। जरूरी क्या था? तुम्हारा जवाब देना या कायरा से पूछताछ? कायरा से पूछताछ है ना। कोई दूसरा होता तो उसका सर कलम कर देते, लेकिन वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए सिर्फ थप्पड़ मारा। इनकी बात मानोगे तो शायद तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाए, है कि नहीं? चलो। अरे ओ सांबा, तेरी कड़वा देता, अरे जल्दी दे। आइए मालिक। देखिए कितना मजबूत बंदोबस्त है हमारा। अरे आइए आइए। हाँ हाँ चलो। आइए आइए। आइए साहब, वो लोमड़िया का तो हम लोग ऐसा मरम्मत किए कि एकदम बकरी बन गई है। अरे गार्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? सर को अकेले जाने दो। हम तो उनके लिए जा रहे हैं, उनका सुरक्षा तो करेगा पड़ेगा ना। तुम कमांडर बास की सुरक्षा करोगे? अच्छा। तुमको लगता है उनको तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत? अच्छा। है अच्छा। तुमको लगता है तुम उनसे अच्छा कुंफू कर सकते हो? कायरा, कायरा, सुना है तुम चमगादड़ लोग बेहतरीन चौकने रहते हो, एकदम बिजली की तरह। तुम तो कमाल के हो यार। ये क्या कर रहे हैं आप? उसे उठा लो। गुस्सा मत हो यार, मैं तो बस देख रहा था कि तुम कितने चौकने हो। ए, तुम हिप हॉप जानते हो क्या? ये देखो। यो यो यो। कायरा, कायरा, मैं हैरी पहचानू? कायरा पहचानो मुझे, मैं हैरी। तुम्हारा प्यार कायरा। कोई बात नहीं, तुम मुझे काट सकती हो। मैं
अरे फोन तो उठा। पशुमानी पागल खाना, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? कमांडर बाज इंटरव्यू के लिए अभी थोड़ी देर में कुछ मेहमान और पत्रकारों के साथ आ रहा है। ओके ठीक है। ये पत्रकार एकदम पकाऊ होते हैं, ये कमांडर बाज बन के यहाँ घुसना चाहते हैं, पर क्या करें, हमें तो अपना काम करना ही है। कायरा, कायरा तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुमने कहा कि तुम लोमड़ी हो, मैंने कहा तुम पागल हो, और बाद में तुम मेरी फैन बन गई, मेरी पहली फैन। तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया कायरा, कचरा भी उठाया, और फिर तुम उस होटल में चली गई जहां वो सेठ तुम्हारी तुम्हारी टांगों को छूना चाहता था। मैंने कहा रुको, और मैं तुम्हें वहां से बचा के लाया। क्या तुम्हें ये भी नहीं याद है, ये निशान तुमने हमारी शादी के दिन लगाया था, तुमने कहा था कि हम एक परिवार हैं। कायरा मैं कितना खुद कर दूं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। कायरा मारो मुझे, मारो कायरा, कायरा मुझे मारो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारी वफाओं के बदले तुम्हें शहर दे दिया। कमांडर बाज कायरा को लाइव रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो ले जाएंगे ताकि वो सबको बता सके कि इंसान कितने दगाबाज होते हैं। तुम जाओ और कार तैयार करो। तुम भावना में कुछ ज्यादा ही बह गए हो, जल्दी से मास्क पहन लो। अरे ये क्या मामला? सीता और गीता, राम और श्याम, कैप्टन जेकब, ये बहरूपिया है। यहां आकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये दुनिया तुम्हारे प्रेम को एक रोग समझती है। प्रेम ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम्हें मास्क लगाकर काया को यहां से ले जाना चाहते थे। हाँ, आज अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तुम काया को लेकर रफो चक्कर हो जाते। गिरफ्तार करो। तुम्हें चमगादड़ी रहोगी, दिमाग खराब हो गया, देखकर भी अंधे बन रहे हो। ये कितना बड़ा बहरूपिया दिख नहीं रहा तुम्हें? सही कहा कमांडर बाज, तो तुम लोग ये भी भूल गए कि बंदूक किस तरफ तानी है। कमांडर बेहतर यही होगा कि मैं आपका चेहरा चेक कर लूं। ये क्या गजब है, दो दो कमांडर बाज। मैं इसे अपने कैमरे में कैद कर लेती हूँ, ये कमाल का न्यूज है। पशुमानी दुनिया के लोग इसे देख के हिल जाएंगे। कमांडर ईता अपना पंख वा दिखा दिए, अब आप भी अपना पंख दिखा दीजिए। था कमांडर, अभी दिखा दो। तुम लोग इस बनावटी मुर्गे के पंख देकर मुर्गे बन गए। मैं कमांडर बास, जब अपने पंख खोलूंगा तो यह पूरी तरह से कोहराम मच जाएगा। देखना चाहते हो? कौन देखना चाहता है? भाई अब मेरे पास इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जहरीली सुई तैयार रखना।
ये कौन है? ये तो पशुमान नहीं, मानव है। रुक जाओ, तुमने अच्छी एक्टिंग की, लेकिन अब खेल खत्म। धोखा खा गए ना आप सब लोग। बस करो, अब मेरी बारी है। भावुक और कमजोर लोग इतिहास नहीं बनाते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस न्यूज को लाइव देखने वाले पशुमानों का मैं स्वागत करता हूं। इस वक्त हम एक मुश्किल में फंस गए हैं। ये इंसान जिसने कारा को जहर दिया था, कप्तान के साथ मिलकर यहां से कारा को भगा ले जाना चाहता था। इतना टॉर्चर किया कि ये पहचान में भी नहीं आ रहे। देखिए, इस पर दया आ रही है। आइए, अब मैं आपको उस महर्षि दरिंदे का घिनौना चेहरा दिखाता हूं, जिसे देखकर आपको भी घिन आएगी। अब मैं इस इंसान के लहू को बहाकर अपने साथी पशुमान भाइयों की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा, जो इंसानों द्वारा सताए गए हैं। इसे इसकी करने की सजा मिलनी ही चाहिए। कहा जा रहा है कि जिन चार इंसान घुसपैठियों को रूपांतरण केंद्र में घुसपैठ करने के लिए फिल्म पशुनामी दुनिया के सिर से गलती से पकड़ा गया, वो शायद इंसानी जासूस हो सकते हैं। इन्हें पशुमान समझकर पागलखाने में डाल दिया गया था और इनके बाल के खाल उतारे गए। हॉलीवुड की फिल्म श्वेतंग रिडेम्पशन देखकर इन लोगों ने वैसे ही प्लान बनाया और एक सुरंग बनाई जिससे ये भाग सके। लेकिन इनकी बेवकूफी कहिए या हमारी खुशनसीबी कि जो सुरंग इन्होंने बनाई वो सीधी पागल खाने के हेडक्वार्टर में ही खुली। देखिए, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी इंसान यहाँ घुस आए। कमांडर, अब क्या करें हम? देख रहे हैं, यहाँ पत्रकार हैं, जिंदा पकड़ो उन्हें। ऐसा लगता है कि यहाँ की सुरक्षा चरमरा गई है। इतनी सुरक्षा के बावजूद यहाँ पर ये चार इंसान कैसे दाखिल हुए? ये उनके लिए कितना आसान काम है। वो हमारे घर में इस तरह घुस आते, हम पशुमान कितने सुरक्षित हैं। हमारे परिवार के साथ क्या क्या होता है जरा सोचिए। वो हमारे औरतों की खाल उधेड़ कर उसके कोट बनाते हैं, हमारे बच्चों का आचार बनाते हैं, हमें हथियार उठाने होंगे, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। छोड़ दो मुझे। ए, नीचे उतरो भाई, नीचे उतरो, हम तोका ना मारो। ए भाई, तोका कोई यहाँ हाथ ना लगाई, नीचे उतर जा, नीचे उतर जा भाई, नीचे आ जा, धन्यवाद। कायरा,
तुमने मुझे पहचान लिया? जाओ सब लोग। हमारे महान कमांडर बाल लोगों को इस तरह बेरहमी से मार रहे हैं, वो अपने लोगों को भी मार रहे हैं। वो यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं सबको खत्म कर दूंगा। तुम लोग यहाँ से निकलो। कोई नहीं बचेगा। मैं इसे संभालता हूँ। क्यों नहीं, मैं उससे लड़ूंगा। कोई भी नहीं। एए, सच्ची बात, इधर इस तरफ मारना मुझे। एए, मारना। मैंने जाने को कहा था ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। एए, आना। तूने मेरी कायरा का ये हाल किया है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है। यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे अपने कमांडर बाज ने अपने ही लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इससे ये बात साफ हो गई है कि सत्ता और स्वार्थ के लिए कमांडर बाज आज तक इंसान और पशुमानों के बीच दूरियां बनाए रखना चाहते थे। आज अपने मंसूबों पर पानी फिरता देख वो सहन नहीं कर पाए और अपने होश हवास खोकर यहां आतंक मचा दिया और उन पे भी हमला हुआ है। वो बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। उनके परों को नोच डाला गया है जिन पे उनको बहुत गुरूर था। डैन, आप कैसे हैं? आपने खाना खाया? उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब वो जिंदा नहीं है। मैं कायरा हूँ, मैं तुम्हारी फैन हूँ। जब मैं छोटी थी तो एक छोटी सी लोमड़ी थी, तो मैं कुछ तो बात है कि मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। तुम्हारा दिल हूं। बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा। जब मैं छोटी थी तो कुछ बच्चे मुझ पर एसिड डाल रहे थे और तुम बीच में आ गए। तुमने मुझे पहचान लिया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ मत कहो। जब इंसान ऐसे में कुछ कहते हैं तो वो मरने वाले होते हैं। मेरे पिक्चरों में देखा है। मुझे कहना है कि कुछ मत कहो। एम्बुलेंस बुलाओ पागल। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं अभी पशुमारी मानसिक अस्पताल के सामने खड़ी हूँ। रूपांतरण केंद्र के भूतपूर्व कमांडर बाज का मानसिक जांच सामने आ गया है और जांच ये पुष्टि कर रहा है कि उनको पागलपन की शिकायत है। मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। मैं तो एक बहुत ही शरीफ और शांत किस्म का इंसान हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
ऐसी अफवाहें। मेरी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। मानव और पशुमानों के रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए कानून में सुधार किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही जोड़ियों को मैरिज सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। पहली जोड़ी है कायरा और हैरी। आखिरकार पशुमान और इंसान मिलकर एक साथ रहने लगे और मेरी जिंदगी भी बदल चुकी थी, क्योंकि अब मैं भी कहानियों का पात्र बन चुका था। शादी की सारी तैयारियां तो कर ली है मैंने, लेकिन एक बात पूछूं, तुम्हारे परिवार वाले किस तरह के पशु हैं? रिलैक्स, वो बहुत ही प्यारे हैं, बस थोड़े खतरनाक हैं। वो देखो वो बाहर जा रहे हैं। रुको उन्हें। एक बात बताओ, जब हमारे बच्चे होंगे तो वो किस तरह के होंगे? मुझे क्या पता, ऐसी शादी तो पहली बार किसी की हुई है ना। वैसे पशुमानों के हिसाब से मानव और दानव के बच्चों के ना 6 हाथ और 3 सिर होते हैं। मतलब हमारे भी ऐसे ही होंगे? हाँ। हम बच्चा गोद ले लेंगे। अरे क्यों, बिल्कुल नहीं, कम से कम 15 बच्चे होंगे हमारे। बस मैंने बोल दिया ना, 15 बच्चे होंगे, उससे कम एक भी नहीं। ठीक है बाबा, तुम्हें जितना मन करे उतना बच्चा पैदा कर रहा हूँ, ओके? क्यूट होंगे वो। 3 से 6 हाथ में क्या बुरा है? 1 साल बाद कायरा ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया और भगवान की कृपा से उसके इंसानों की तरह 2 हाथ और 2 पैर थे। कायरा ने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने अपने बच्चे का नाम ईशान रखा, इंसान और पशुमान की पहली आजाद औलाद।我也不想变啊，我一看到别人欺负你我就气啊，我一激动我就憋不住。你要控制你自己啊，你想你一变身你不就裸体了吗？对吧？哎，你们平时这个妖怪之间聊天穿衣服不穿？裸聊啊，我们有毛啊。没这没法，如果姑娘跟其他
真的不一样，吃着吃不胖，武功武壮你漂亮 girl, You gotta go along, 你为我打为我怕，为我什么都不怕，你知道你多完美吗，就说你是怪物多可怕，我还可以爱你吗。This movie is encoded by Dr. Star. Hey, 电影到了结局，可是你的生活还依然在继续，你收起笑容，握紧双拳，要回到这复杂世界去。来吧，我为你唱首歌，忘掉心酸的事，虽然只是暂时，其实你只是假装成熟的孩子，这嘈杂舞台上演出人头地的故事，也许有人喜欢你追逐成功的姿势，也许会有人赞美你咬紧牙关的坚持，可是我却最爱你，在演出结束时，狼狈又孤独的样子。有一天，天使会出现。闪光的灵魂，温暖你的一生。你爱着电影，在黑暗里泪流不止。这落满灰尘的时代，讲一个干净的故事。也许有人喜欢你追逐成功的姿势，也许会有人赞美。咬紧牙关的坚持，可是我却最爱你，在演出结束时，狼狈又孤独的样子，孤独的样子，你孤独的样子。电影到了结局，可是我的生活还依然在继续，我收起笑容，握紧双拳，要回到这复杂世界结局。